Everyone, welcome back to my channel and welcome to the last episode of hashtag quirky Diwali week. And आज का दिन होने वाला है एक दिवाली vlog. So it's sort of like a festivities vlog जिसमें मैं आपको धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली में जो भी हम कर रहे हैं वो सब दिखाऊंगी. Nothing special इस time, वैसे भी COVID है तो हम इतना ज्यादा कुछ करने नहीं वाले. And I'm so happy that Delhi government ने crackers ban कर दिया. I hate crackers. So yeah, I am pretty excited for this शांत दिवाली this time जो हम घर में बैठे आराम से शांति से मनाने वाले हैं. सो इट्स अ फ्यू डेज बिफोर धनतेरस और धनतेरस के टाइम पे क्योंकि बहुत भीड़ होती है ज्वेलर्स के वहां पे, तो आज मैं और मेरी मम्मी जाने वाले हैं कुछ सिलेक्ट आउट करने जो हम धनतेरस पे लेना चाहते हैं. एंड इट्स जस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ लाइक अगर आप इस दिन पे गोल्ड लोगे तो आपका बिजनेस अच्छा जाएगा एंड आपके घर में वेल्थ आएगी, लक्ष्मी आएगी. इफ आई फाइंड समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ एज वेल तो मैं भी ले लूंगी आज. लेट्स सी क्या होता है. ज्वेलर्स की शॉप पे ज्यादातर हम व्लॉग नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर वेरी सीक्रेटेड ऑफ देयर डिजाइन एंड वो इतना ज्यादा आपको कैमरा यूज नहीं करने देते हैं. सो आई ट्राई टू स्नीक इन एंड व्लॉग फ्रॉम माई फोन एज मच एज पॉसिबल. आई रियली होप आप लोगों को ये लास्ट दिवाली सीरीज का व्लॉग पसंद आए. लेट्स गेट स्टार्टेड. इससे बेटर तो हुई है. हाँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. इसमें गोल्ड का लुक आ रहा है, इसमें पूरा डायमंड है. हेलो हेलो, क्या हाल चाल. हैप्पी धनतेरस यू गाइस. मैं अभी उठी हूँ एंड सिम्बा मेरे से पारी ले रहा है. हेलो बोलो सिम्बू. आज का दिन बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है. आई थिंक जो आपने लास्ट फुटेज देखी थी वो थी जब मैं और मम्मी गए थे ज्वेलर्स के यहाँ एंड वी बुक्ड मम्मी के टॉप्स एंड मेरी डायमंड रिंग. आई एम सो एक्साइटेड. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे वहाँ कुछ पसंद आ जाएगा, बट लाइक द डायमंड रिंग वॉज सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं अभी पहली बार धनतेरस में अपने लिए कुछ एक्सपेंसिव ले रही हूँ, सो आई डिडंट माइंड दैट. ओके, सो आई गॉट अ वेरी नास्टी पिंपल राइट हियर. मैं रात को पैच लगा के सोई थी एंड सम हाउ इट गॉट बिगर, सो आई एम गोना ट्रीट इट टुडे बाद में. तो आज धनतेरस है और यूजुअली धनतेरस से एक दिन पहले या धनतेरस के दिन हम लोग अपना घर थोड़ा डेकोरेट करते हैं. मेरे पिछले दिनों से काफी दिवाली की सफाइयां चल रही थी, मेड जाके सफाई वगैरह कर रही थी एंड मेरा स्टूडियो भी काफी रिलेटिवली साफ हो गया है. मैट एंड रग पे सब पे झाड़ू लग गई है. मैं अपने जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के लिए शूट में आपने बैकग्राउंड देखा था ना, फ्लावर्स वगैरह, वो बाहर गेट पे जाके लगाऊं एंड थोड़ा सा घर का बाहर का लुक भी ठीक करूं. उसके बाद आई हैव टू शो यू गाइज, मैंने सिम्बा के लिए दिवाली गिफ्ट मंगाया बिकॉज उसको मैं हमेशा ऐसे सस्ती सी चीज़ें लाके देती थी एंड आई नेवर रियली थॉट के सिम्बा के लिए भी कुछ यू नो लग्जरी एक्सक्लूसिव मंगाया जाए. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर सिम्बा फ्रॉम हेड्स अप फॉर टेल्स. सो मैं वो भी खोल के दिखाऊंगी आफ्टर डेकोरेटिंग द हाउस. लेट्स गो डेकोरेट द हाउस एंड देन मैं आपको सिम्बा का दिवाली गिफ्ट दिखाती हूँ. इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग हुई है घर की. जो मेरे स्टूडियो में एक बहुत बड़ा प्लांट होता था ना फिडली फिक का, वो हमने यहाँ पे लगा दिया टू जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी हियर. एंड मेरे मार्बल टेबल पे हमने ये वेस्ट साइड होम से जो दिया कैंडल होल्डर रखा था वो लिया है. एंड I am really excited for this plant क्योंकि मुझे घर में ना ऐसे छोटे छोटे ग्रीनरी के पार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं. एंड देन ये वुडन कैबिनेट यहाँ पे इतना बड़ा है कि हमारे पास कुछ लिटरली है नहीं रखने को, इसलिए हमने कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख दी हैं. यहाँ पे वेस्ट साइड के वो दो प्लांटर्स रखे हैं, यहाँ पे हमने एक और प्लांटर रखा है, यहाँ पे हमने दिया होल्डर्स एंड छोटी मोटी डेकोरेटिव चीज़ें रखी हैं. हमारे पास इतनी डेकोरेटिव चीज़ें हैं नहीं अपार्ट फ्रॉम कैंडल्स. सो या दिस इज वॉट द होल ऑफ माई ड्राॅइंग रूम लुक्स लाइक राइट नाउ. आई रियली लाइक द होल वाइब एंड आई जस्ट रियली लव वॉर्म टोन्स एंड मुझे अपना ब्राउन काउच, एल शेप काउच बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स सुपर कम्फी एंड इट जस्ट गोज विद द मार्बल टेबल एंड द ग्रीनरी. सो ये वाले फ्लावर्स मैं बाहर लगाने वाली हूँ एंड दिस इज सिम्बा का गिफ्ट जो मैं आपको अभी शो करूँगी. बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो सॉरी. क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देख रही थी क्या कर रही है तुम. ब्लॉगिंग.
I took a bath and I'm wearing my new hoodie. This is from H&M. It says no bad vibes. And the house is moderately decorated. Like, pata chal raha hai ke festive season hai. So I got this package subah subah delivered from Heads Up for Tails. Actually, maine Simba ke liye Diwali gifts mangaye the. So we have this huge dabba, like, oh my god. I'm gonna open it and just kind of like show you guys ki maine Simba ke liye kya Diwali gift mangaya, because maine pure is I think month mein aap logon ko dikhaya ki main kya kya kis kis ko de rahi hu. Okay, so this is what the package looks like. Iske andar sabse pehle to Simba ki leash and uska bed hai. So isme puri leash hai and ye collar bhi hai. And then I ordered this sweater for Simba. It looks somewhat like this. I am gonna try it on. I feel like ye thoda sa mujhe chota lag raha hai. But let's see ke Simba pe kaisa lagta hai. And the best part is this one, which is a bed that I ordered. Now Heads Up for Tails na kafi brands ke sath collaborate karte hain. So unhone Disney ke sath collaborate kiya tha and isme Lion King ka Simba bana hua hai. And I was like, wow, this is so cool for Simba, kyunki Simba ka naam Simba hai and iske andar Simba bana hua hai and that is his huge bed. So pretty, oh my god, Simbu ka new bed. I was just scared ke iske size ka hoga ke nahi hoga, but I feel like he fits right into it and ye kafi zyada comfy lag raha hai and iske andar ka gadda na nikalta bhi nahi hai, so Simba isko destroy nahi kar sakta hai. फील लाइक सिम्बा को अच्छी तरह से स्वेटर आ गया है, क्योंकि ये बहुत फ्लफी है ना, सो इसलिए थोड़ा साइज में बड़ा लगता है, बट सिम्बा का साइज असली में ऐसा ही है. ही इज अ लिटिल स्किनी लेजेंड ऑफ माइन, सो इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. आई एम गोना चेंज हिज लीश नाउ. I also ordered a name tag जिसमें सिम्बा एंड पीछे मेरा नंबर होगा. इन केस सिम्बा इज लॉस्ट, आई वोंट अलाउ यू टू बी लॉस्ट, बट या उसके लिए नेम टैग भी मैंने मंगाया था. आई थिंक उसको बनने में टाइम लगेगा, बट दिस लुक्स प्रिटी नाइस एंड यू गाइस कैन सी इज प्रिटी कंफर्टेबल इन हिज सिम्बा बेड. शिम्बू को कैसा लगा दिवाली गिफ्ट? ही लुक्स सो प्रिटी. आई लाइक इट, है ना? आई लाइक इट, यू लाइक इट? इफ यू लाइक इट हेलो कर दो. Hey, he likes it. Okay, I am really happy ke Simba ko uske gifts pasand aaye and he literally feels at home right now. All right, so it's dopahar ka time right now and I got ready. I didn't do a lot of makeup. I don't know if you guys can see, I just did a normal neutral nude makeup. I don't know why meri aankhein aaj kyun itni sooji hui hai. I'm a little tired from all the festive work that's going on in my house. Like, aaj maine bahut madad ki decorate karne mein and little Simbu is just sleeping on his new bed. So we are going to the jeweler shop to collect my mom's earring and the ring that I picked out, and I'm really really excited. And yeah, it's just a happy Dhanteras time, kyunki Diwali ke time pe hum itna zyada kuch karte nahi hai. So mujhe Diwali se zyada personally Dhanteras bahut pasand hai, because we get to buy cute stuff and when we didn't have money na, hum hamesha chandi ka chota spoon ya fir kuch bartan wagaira hi le lete the, purane bartan exchange karke, not even chandi, hum steel ke hi le lete the. But now is the time to invest in some good gold and diamond, so let's go and let's show you guys what all we get. By the way, this is what I'm wearing today. I'm so sorry for the mess piche, mujhe dhone dalna hai. So this is the same sweatshirt hoodie that I got from H&M. It says no bad vibes. Then I'm wearing this blue paper bag jeans and niche Ajio ki chappal. So a very chill outfit, because I just don't want to dress up today. Kal main Diwali ke din dress up zyada hongi, so that will be great. And this is my mom's look. She looks super pretty today. New kurta, bahut hi sundar बैग एंड कान मम्मी के देखो आज थोड़े खाली हैं, बिकॉज़ जो लेने हैं. चलो मम्मी, हैप्पी धनतेरस. कैसा लग रहा है आपको गोल्ड लेने जा रहे हो? चलो चले. All right, I am back home and look what I have.
I have my first ever like typical diamond ring. This just had that solitaire vibe in it and mujhe bahut zyada pretty lagi. Like look how it shines. So I'm just gonna wear it and show you guys. Main jeweler ki shop pe zyada baat nahi kar pai, but oh my god, this feels like I've proposed to myself. But I really love it. Like single life is this only. आप अपने आप को सुंदर सुंदर गिफ्ट देते हो एंड अच्छा फील करते हो. एंड दीज आर द इयररिंग्स दैट माई मॉम गॉट. सो आई होप यू गाइज कैन सी हाउ दे लुक लाइक. दे आर वेरी रिफ्लेक्टिव एंड वेरी ब्यूटिफुल. प्लीज डोंट एवर फील लाइक यू नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू प्रूव अ पॉइंट और मेक योर सेल्फ फील हैप्पी या फिर जो सेलिब्रेट धनतेरस. आई हैव बिन सेलिब्रेटिंग लाइक जब से मैं होश में आई हूँ कि धनतेरस क्या होता है. आई हैव बिन बाइंग झाड़ूज एंड घर का कुछ बर्तन कटोरियाँ एंड ग्लासेस फॉर लाइक 10 to 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन धनतेरस दैट आई हैव स्पेंट माई ओन मनी. मोस्ट ऑफ आर लाइफ वी हैव ओनली बिन बाइंग बर्तन एंड that is completely normal. I don't want you guys to think that you have to get this to celebrate Dhanteras. Festivals are not about that. You guys can see like ये भी मेरा first time है ये जब मैंने खुद के पैसे खर्च के ऐसा कुछ लिया. And I won't be buying gold or diamonds every year. This was just a first for me and I wanted to share this moment with you guys. नहीं तो ज़्यादातर अगर jewelry वगैरह की चीज़ भी होती है ना, मैं इतना ज़्यादा share नहीं करती हूँ पैसे से related because it just feels like she's showing off and I don't want to come across that way. Be with your family, spend time with them, make them happy and just help at home. मैं किसी दिन kitchen में मम्मी की help कर देती हूँ ना, वो उस दिन बहुत खुश हो जाती हैं. सो दैट इज वॉट मैटर्स एंड आई एम गोना हेल्प हर. लाइक मैंने हेल्प किया आज उनको घर सजाने में. शी वॉज सो हैप्पी, मोर हैप्पी देन दीज डायमंड टॉप्स. एंड कल भी मैं थोड़ा दिया वगैरह जलाने में दिवाली के टाइम पे मदद करूंगी. एंड ऑलवेज 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 माई बिगर गोल इन लाइफ इज टू मेक a house of my own, to have a property of my own where I can live and I don't have to pay rent. So that's the bigger dream and ab se main paise save karna start kar rahi hu. So main super conjus hone wali hu pehle wali Aditi ki tarah. So right now I'm outside and main aayi hu mithaiyan lene and biscuit lene and Ravi ke liye chocolate lene. I'm gonna get mithai from there, rasgulle and gulab jamun. Hello everyone, today is Diwali. Happy Diwali. I just woke up. I have to take a bath and I'm running late because we have to go to some houses to wish Diwali and I have to get ready very very quickly. I lost my nail today. मैं कुछ बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी स्टूडियो में उठ के एंड आई लॉस माई नेल्स. सो अब मुझे ये सारे निकलवाने पड़ेंगे. प्रॉब्ली आई डू इट टुमारो बट आई एम क्विकली गोना शो यू वॉट आई एम गोना वेयर टुडे. एंड इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग द गिव अवे द क्वर्की दिवाली हैम्पर दैट आई एम गोना अनाउंस एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे. दिस इज अ वेरी प्रिटी पिंक एंड टील सूट फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड गुलाबी अंडरस्कोर गोरी. बहुत ही सुपर लॉन्ग अनारकली सूट है एंड मुझे ये डोरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है जिनके अंदर ऐसे पिंक से टैसल्स होते हैं. एंड दिस इज द दुपट्टा. इसके साथ मैंने ये छोटे से इयररिंग्स निकाले हैं पहनने के लिए. मेरी ग्लोव वीडियो में कोई और इयररिंग्स थे बट मुझे ये वाले बहुत पसंद आए. ये मुझे कोहिनूर ज्वेलरी ने भेजा है. आई एम गोना क्विकली गेट रेडी एंड शो यू गाइज अदर थिंग्स दैट वी आर डूइंग टुडे. ओके, आई विल सी यू गाइज आफ्टर आई टेक अ बाथ नाउ.
क्योंकि हम नई बेडशीट बिछाते हैं बेड पे. दिस इज द बेडशीट जो मेरे बेड पे आज बिछी हुई है. दिस इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड कोश बाय कोमल. ये गिव अवे का भी आज पार्ट है जो मैं गिव अवे अनाउंस करूंगी. आपको एक बेडशीट भी मिलने वाली है, बट दिस इज द वन दैट माय मॉम सिलेक्टेड फॉर आर होम एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है, बहुत ही वाइब्रेंट दिवाली लाइक लग रही है. एंड दिस इज माई मॉम, मम्मी का आउटफिट देखो, ये भी गुलाबी गोरी ने ही भेजा है एंड काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. इसमें गोटा पट्टी का बहुत सुंदर काम है पिंक में एंड दिस इज हाउ आई लुक लाइक. सो ये इयररिंग है जो मम्मी ने लिए थे धनतेरस पे एंड बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. ओके सो आई एम बैक. आई वेंट जहाँ भी हम लोगों को जाना था आस पड़ोस में. आई डिडंट वांट टू इन्वेट प्राइवेसी ऑफ द पीपल जिनके यहाँ हम विजिट कर रहे थे टू विश देम दिवाली. सो आई थॉट कि वहाँ मैं व्लॉग नहीं करूँगी, बट आई एम बैक एंड आई एम हेयर टू शो यू गाइज व्हाट दिवाली गिफ्ट्स आई गॉट दिस ईयर. पहले मैंने सोचा था मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी ओपनिंग दिवाली गिफ्ट्स, क्योंकि दिस इज नॉट माई बर्थडे एंड इतना स्पेशल मैं नहीं करना चाहती एकदम दिवाली गिफ्ट सेपरेट वीडियो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस दिवाली वीक ऑन दिस नोट ओनली. सो आई एम गोना शो यू गाइज क्या क्या गिफ्ट मुझे मिले हैं. द फर्स्ट गिफ्ट दैट आई गॉट इज फ्रॉम चैक्रो एंड हर मॉम एंड हर सिस्टर अंकिता. सो दे सेंट मी दिस नायका का डब्बा जिसके अंदर लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली डियरेस्ट क्वर्की बेटू, वी लव यू फ्रॉम आंटी एंड अंकिता. सो दे सेंट मी दिस वेरी प्रिटी कार्ड विच आई रियली लाइक. सो उन्होंने मुझे तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भेजी है. द फर्स्ट थिंग इज दिस मैक फिक्स प्लस एंड इट इज इन द वेरियंट लैवेंडर. मुझे ये वाला बहुत ज्यादा पसंद है. आई थिंक मैंने किसी कॉन्वर्जेशन में अनिंदिता को बताया था एंड तभी She helped her mom and her sister to pick out stuff for me. Then MAC की उन्होंने मुझे lip shade भी दिया which is in the shade मेहर. अगर आपने मेरी दिवाली glow up video देखी है ना, you guys will be able to see मैंने उसमें यही shade लगाई थी and this is such a perfect pink for like Indian skin tones and बहुत ही ज़्यादा प्यारा shade है ये. I really love these kind of like very bubbly pinks. And then they also gave me this lime crime lipstick. It is in the shade Cindy. ये भी बहुत ही प्यारा. If you have seen Jeffree Star की Leo, ये बिल्कुल वैसा ही a warm terracotta nude shade hai and you guys can see these are such pretty colors and these are right up my alley. Like main aise hi type ke lip shades lagati hu, you guys can see. These were all the gifts that they gave me. Now Kohinoor Jewelry also sent me some earrings. So pehli wali to yahi hai jo maine aap logo ko dikhai hai aaj pehen ke. They also sent me these earrings. Bahut hi zyada pretty moti wale earrings hai. Like aaj ke outfit ke sath ye bhi bahut acche jaate. Then these are my absolute favorite. Oh my god, ye bhi is outfit ke sath bahut acha jata. Like isme pink color ke beads hai as you guys can see and this is so pretty and नीचे से mango shape के golden golden चीजें दी हुई हैं. सो या थैंक यू सो मच जैस्मिन फ्रॉम कोहिनूर ज्वेलरी फॉर सेंडिंग मी दिस. सो एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड आईना जिसमें मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में उनके साथ मैंने गिव अवे कॉन्डक्ट किया, उन्होंने भी मुझे कुछ भेजा है. विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली, लॉट्स ऑफ लव, धारणा फ्रॉम आईना. सो थैंक यू सो मच धारणा. द फर्स्ट थिंग दैट शी सेंट मी जो मैं हमेशा क्रेव करती हूँ दिवाली पे इज काजू कतली काजू बर्फी फ्रॉम अमूल. सो शी सेंट मी दिस एंड आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी काजू बर्फी. And then inside this beautiful dabba, they also sent me this very pretty collection of diyas. This looks so cute. इसके साथ भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. This is so nice. Very like small झुमकीज but ये कितनी ज़्यादा pretty and सुंदर लग रही है. Like oh my god. ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर earrings हैं and मुझे ऐसे type की झालर वाली earrings भी बहुत ज़्यादा पसंद है. भी मुझे बहुत अच्छी लगी like festive appropriate. मेरी मम्मी को भी ये red वाली earrings बहुत अच्छी लगी. काफ़ी ज़्यादा चटक है ये. The last thing that they sent me are these amazing and beautiful चांद बालीस. बहुत ही pretty है. You guys know how much I love this. So next up my dad surprised me with gifts. Like मेरे पापा कभी भी दिवाली ऐसी कोई ओकेजन होती है ना उनमें उन्होंने हमें कभी भी गिफ्ट नहीं लेके दिए हैं शुरू से. लाइक बर्थडे पे ही गिफ्ट मिल जाता था वो बहुत बड़ी बात होती थी. सो इस टाइम पापा ने मम्मी के साथ मिलके मुझे सरप्राइज किया एंड गिफ्ट लेके दिए. सो मेरे पापा ने मुझे H&M के कपड़े लेके दिए हैं. ही ऑर्डर्ड इट एंड व्हेन इट अराइव्ड आई वाज लाइक ये क्या है. सो या ही गॉट मी सम वेरी क्यूट स्वेटर्स. फर्स्ट थिंग दैट ही गॉट मी इज दिस वेरी प्रिटी मिंट ग्रीन सॉर्ट ऑफ स्वेटर फ्रॉम H&M एंड ये बहुत ज्यादा कोजी है. लाइक लुक एट दिस, सुपर डुपर सॉफ्ट कपड़ा लग रहा है ये एंड मुझे ये कलर भी इनफैक्ट बहुत पसंद है. द नेक्स्ट थिंग ओ माई गॉड इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट. लाइक ये मेरा
अभी तक का सबसे फेवरेट स्वेटर है एंड आई डिडंट नो कि मेरे पापा की चॉइस मेरे से इतनी मिलेगी, बट दिस इज सच अ प्रिटी सनशाइन सॉर्ट ऑफ येलो स्वेटर एंड दिस इज अ निट स्वेटर, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड इसकी स्लीव भी ऐसे थोड़ा बलून स्लीव टाइप की है, यहाँ पे सिंचिंग वाला मटेरियल है एंड इट्स जस्ट माय वाइब। यू ऑल नो हाउ मच आई लव येलो एंड ये मुझ पर बहुत अच्छा सूट कर रहा है। देन यू गाइस नो वी डोंट हैव मच रिलेटिव्स, बट मेरे डैड की मौसी है, उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें भेजी है। शी इज वेरी लाइक उनकी बहुत क्लासी वाइब है, सो उन्होंने हमें ये कार्ड भेजा है एंड देन शी सेंट अस अ लॉट ऑफ लाइक वेरी रॉयल एंड क्लासी स्टफ। आई नेवर शो यू गाइस मेरे रिलेटिव्स की साइड एंड आई वांट टू कीप इट प्राइवेट सिंस वी जस्ट रिसीव्ड इट टुडे, सो आई थॉट कि मैं दिखा दूं अपने व्लॉग में। द फर्स्ट थिंग दैट शी सेंट अस इज दिस बेसन की मिठाई एंड यू गाइस कैन सी उनके शेफ ने स्पेशल बनाया है, ये कट भी नहीं है, लाइक बिल्कुल भी इसके पीसेस कट नहीं है, उनके पर्सनल शेफ ने ये बनाई है एंड इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लाइक ओ माय गॉड। सो मुझे ज़्यादातर बर्फियाँ इतनी पसंद नहीं है, बट क्योंकि ये होममेड है एंड शेफ ने स्पेशली बनाई है, आई एम गोना हैव वन पीस टुडे। देन शी सेंट अ साड़ी फॉर अस विच इज़ कॉल्ड अ कसावू साड़ी। ये बहुत ही एक पूरा प्रोसेस उसका लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फैब्रिक अंडरगोज अ प्रोफ्यूजन ऑफ हार्ड वर्क, द गोल्ड जरी टू बी एडेड टू द फैब्रिक इज सोक्ड इन वाटर टू सॉफ्टन द थ्रेड्स, अ रेगुलर वीविंग ऑफ कसावू टेक्स 15 आवर्स ऑफ टाइम इन्वेस्टेड फॉर 5 to 6 days, लाइक ओ माई गॉड। टिपिकल लाइक क्रीम बेस्ड सॉर्ट ऑफ साड़ी विद दिस गोल्ड जरी एंड दिस इज सो क्लासी सो रॉयल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी एंड रॉयल साड़ी जिसके अंदर गोल्ड जरी है एंड द कलर इज सो क्यूट। व्हाट्स अप यू गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, आई हैव चेंज्ड इनटू माय स्वेट्स बिकॉज लेट मी टेल यू गाइस, यूट्यूब की ग्लैमरस लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करके लहंगा पहनती हूँ और ग्लो अप करती रहती हूँ, बट दिस इज द रियल मी। एज सून एज आई डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद वन सिंगल ह्यूमन बींग, आई चेंज इनटू माय स्वेट्स। सो मैंने अपनी स्वेटशर्ट पहन ली है, अपना पजामा पहन लिया, अपनी चप्पलें पहन ली है एंड आई एम हेयर। मैं मंदिर सजाने वाली हूँ अपनी मम्मी के साथ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमने बाहर क्या डेकोरेशन की है। बाय द वे लाइफ अपडेट, आई स्क्रेप्ड ऑफ माय नेल्स, लाइक मैंने अपने नेल्स नेल कटर से लेके जेल नेल्स काट लिया और उनको ना खुरच खुरच के निकाल दिया बिकॉज दे वर इरिटेटिंग मी सो मच। लाइक मेरे अगर एक नेल में खराबी हो तो मुझे फिर ना इरिटेशन होने लग जाता, तो मैंने सब कुछ यू गाइस कैन सी निकाल लिया है एंड आई एम सुपर हैप्पी दैट आई एम फ्री नाउ। थोड़ा मंदिर सजाते हैं, थोड़ी पूजा शूजा करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सजावट। ढोल बजा रहा है, आई एम एंजॉयिंग। ओके, सो मैंने काफी मैंने और मम्मी ने मिलके मंदिर सजा दिया है एंड रवि के साथ मैं चिल कर रही हूँ। दिस स्वेटशर्ट वॉज वन ऑफ द थिंग्स जो पापा ने मेरे लिए मंगाई थी अचानक से, बट रवि ने आज पहन ली बिकॉज ही नीडेड समथिंग फुल स्लीव अच्छा सा एंड न्यू। सो ये वाला रवि अभी के लिए पहन रहा है, पूजा के टाइम ही इज गोना वेयर दैट गोल्डन कुर्ता। बट रवि आप लोगों को कुछ बोलना चाहता है, रवि क्या बोलेगा? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। रवि आज क्या करेगा? पूजा करेगा और बर्फी खाएगा और क्या खाएगा? ईशान भैया से क्या मंगाऊंगी मैं? चाउमीन, नूडल्स, कुरकुरे, शॉर्मा। आज हमारा डिनर होने वाला है स्पॉन्सर्ड बाय बजट बाइट। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दया। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता।
ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी मैया का, बोलो सांचे दरबार की जय। Okay, so we have ordered food dinner from Budget Bites. Budget Bites, so Ishan deliver karne aaya hai. This is one perk ke mere ko seedha owner hi deliver karne aata hai mostly when I order. So, hello, hello. Budget Bites, owner ji aaya hai. Happy Diwali. Happy Diwali. Literally meeting Ishan itne dinon baad. So this is our dinner. We ordered veg noodles. हमें बहुत पसंद है budget bites के. Then this is spring roll. ये मैं first time try कर रही हूँ budget bites का. And we have classic shawarma, kurkure shawarma, ढेर सारी चटनियाँ. Hello, hello. So it is the end of the vlog. It was quite a calm and nice Diwali, just like I want it to be celebrated. Like I don't like bursting crackers. I cough and cough like an idiot whenever we used to burst crackers ghar mein pehle, but I'm glad we don't do it. Also like bahut hi acha laga ghar mein aise diye sajake puja karke. Like this is the kind of Diwali I like. So kyunki ye last video hai hamari hashtag quirky Diwali series ki, I really wanted to go big this time. So I have not one, not two, but three giveaways for you guys. One is for my Delhi Quirky squad and the other two are for like all over India. The first giveaway is in collaboration with Budget Bites. So ye Delhi Quirky squad ke liye hai and all you have to do is follow Budget Bites on Instagram and me on Instagram. So this rule is a must ki aapko Instagram pe hona zaruri hai and you have to share their profile as much as possible. Order from them, agar aap kuch bhi chota mota order karo to aap apni story pe zarur share karna, mujhe aur Budget Bites ko tag karna, and jo bhi ye giveaway jeetega usko 5000 ka वाउचर मिलेगा कि वो पूरे साल और 2021 में भी 5000 के अंदर अंदर कितनी भी बार ऑर्डर कर सकता है. एंड दैट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय मी एंड बजट बाइट्स. लाइक यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. सो दैट इज अमेजिंग, क्योंकि आप घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो होम डिलीवरी करा के. एंड ऑल्सो लाइक आपका बर्थडे हो तो वो भी सॉर्टेड हो जाएगा बिकॉज देयर फूड इज एक्चुअली रियली अमेजिंग. यू गाइस हैव सीन, अगर मेरे को पसंद ना आता होता तो मैं इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं करती और मेरे परिवार वाले भी नहीं खाते. सो देयर फूड इज अमेजिंग एंड आई रियली वॉन्टेड टू कोलैबोरेट विद हिम दिस टाइम. सो द सेकंड गिव अवे इज अ क्वर्की Diwali hamper and I'm so excited that this time Ridul has offered me to send something from her store Simba Lifestyle. So you guys see these trunks, these are three trunks jo usne mujhe bheje lavender color mein, and these are so pretty, so beautiful, and inki jo storage hai capacity wo bhi bahut achhi hai. So iske andar main apna jewelry, makeup sab kuch dal sakti hu, and I just love this lavender trunk. I think it goes really well with my pink corner right here. Like the whole vibe is amazing. And she also sent me this 5-year journal and it is so thick you guys, it is so personalized and इसके अंदर बहुत सारी amazing questions and चीजें हैं. This is great for people जिनको journal करना पसंद है, and also like if you don't like to journal तब भी आप इसको लेके एक नई अच्छी habit develop कर सकते हो अपनी life में. So the first thing that you'll be getting in this quirky Diwali hamper are three trunks in yellow color because yellow is my favorite color. So I wanted to give you guys away this. So ये एक trunk है, इसके अंदर एक और छोटा trunk है, उसके अंदर एक और छोटा trunk है, just like these three. So you're gonna get this one and you're also gonna get the 5-year journal जो मेरे पास है, just like this. And this is specially from Simba Lifestyle, Mridul's brand, Mridul's Instagram page, and I am really excited and thankful that she collaborated with me for this giveaway. Third thing in this hamper, आप लोगों ने देखा ना, आज मैंने अपने बेड पे नई चादर बिछाई है. So that was from Posh by Komal. मैंने आप लोगों के लिए ये वाली चादर पिक की है. And जो ये बेडशीट्स है ना, वो बड़े से किंग साइज बेड पे भी बहुत अच्छी तरह फिट हो जाती है. So I really like this design जिसमें ऐसे लीव्स बने हुए हैं. इंडिगो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इज सुपर क्लासी. सो दिस इज फ्रॉम Posh by Komal. नेक्स्ट अप वी हैव दिस प्रिटी
अनारकली सूट फ्रॉम गुलाबी गोरी एंड ये मैंने पूरे अपनी ग्लोअप वीडियो में पहना था, आज के दिन भी पहना. इट वॉज सुपर कम्फर्टेबल, सुपर क्लासी एंड द क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग. मेरी मम्मी ने भी उनका एक कुर्ता पहना था आज पूरे दिन एंड शी रियली फेल्ट कम्फर्टेबल इन इट. सो वन ऑफ यू विल बी एबल टू गेट दिस एज अ पार्ट ऑफ माई दिवाली हैम्पर. नाउ जो भी विनर होगा उसके साइज में ये सूट होगा या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, बट यू विल डेफिनेटली गेट वन पीस फ्रॉम गुलाबी गोरी. एंड ऑफ कोर्स क्वर्की दिवाली हैम्पर एंड दिवाली का अवसर है तो इसमें ज्वेलरी तो मुझे इंक्लूड करनी थी एंड आई हैव कोलैबोरेटेड येट अगेन विद ओश्री एक्सेसरीज. सो आपको दो अमेजिंग अमेजिंग ज्वेलरी पीसेस मिलने वाली हैं. द फर्स्ट वन इज दिस डायमंड लुक वाले इयररिंग. ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड आई फील लाइक जो अभी अपकमिंग वेडिंग सीजन आने वाला है उसमें आपके बहुत काम आएंगे. लाइक लुक एट द शाइन एंड आई रियली रियली लाइक इट. एंड पीछे इनके ऐसे टाइप के स्टॉपर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपके कान में वो ढिलकेंगे नहीं, आपको दर्द नहीं होगा, दे होल्ड स्टेडी. द नेक्स्ट वन इज नॉट जस्ट अ पेयर ऑफ इयररिंग, इट्स अ फुल सेट. सो दिस इज द सेट दैट यू आर गोना बी गेटिंग. इसको आप चोकर की तरह भी पहन सकते हो और एक हार की तरह भी पहन सकते हो. लिटरली आप पूरे ऐसे जो ओदा अकबर में जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन ही पूरी ऐसे भरी हुई सी लगती थी, तो वैसे ही आपको ज्वेलरी का एहसास होगा. एंड दीज आर सो फ्रिकिंग प्रिटी, लाइक आई रियली लाइक दीज. एंड इसके साथ आपको इयररिंग्स भी मिले हैं. इयररिंग्स काफी आपको डेंटी एंड लाइट मिले हैं विच आई रियली रियली अप्रिशिएट. इट जस्ट सॉर्ट ऑफ बैलेंसेस द होल लुक. द रूल्स ऑफ दिस गिव अवे आर दैट यू शुड बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल एंड आपको बेल बटन जरूर दबाना है सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. द सेकंड रूल इज दैट आपको इन सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करना है, मैं यहाँ पे हैंडल्स आपको लिख दूंगी. द थर्ड रूल इज दैट आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा एंड वेयर यू आर फ्रॉम, लाइक योर सिटी. एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल. द रूल्स आर प्रिटी सिंपल. द नेक्स्ट एंड द फाइनल गिव अवे दैट आई वॉन्ट टू कंडक्ट इज विद डैनियल वेलिंगटन. कीप इन माइंड कि दीज गिव अवेज आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, आई एम अरेंजिंग इट ऑन माई ओन. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोना बी गेटिंग: अ डैनियल वेलिंगटन वॉच, द यूनिटोन वॉच इन रोज गोल्ड, दिस इज द वन दैट यू आर गोना गेट, एंड ऑल्सो द डैनियल वेलिंगटन रिंग, दिस इज द रिंग दैट यू विल बी गेटिंग. एंड कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपको दिल्ली का ही होना है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइक ऑल ओवर इंडिया क्वर्की स्क्वाड. गिव अवे रूल विच इज दैट आई लव मीम्स एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू येट अगेन क्रिएट मीम्स फॉर मी. तो इन सारे गिव अवेज का एंड जो पहले हो चुके गिव अवेज उनका रिजल्ट आएगा अराउंड 25th ऑफ नवंबर के अराउंड. मैं अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अनाउंस कर दूंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई रियली होप आप लोगों को ये ग्रैंड फिनाले पसंद आया हो दिवाली वीक का. आई डू हैव अ लाइफ अपडेट कमिंग अप बिकॉज आई हैव सर्टन फीलिंग्स अबाउट दिस दिवाली वीक एंड हाउ यूट्यूब हैज बीन काइंड ऑफ लाइक little weird in general, like for all of us Indian creators. So I will be sharing my thoughts really really soon, but if you're seeing this face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them, and if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video, every Tuesday, every Friday, subah subah 11 baje, and follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super active there. Thank you so much for watching these Diwali week videos, and I'll see you next time. Bye.